नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि साधना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के ऊपर आप लोगों ने बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम किया और मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम और जो संकल्प हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, उस काम को आप लोगों ने निरंतर प्रयास किया आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चे जब शिक्षित बनेंगे तभी वो संगठित बनेंगे, संघर्ष करेंगे और उनकी सोच बड़ी होगी, और जब सोच बड़ी होगी तो सोच में इतनी ताकत है कि वो गांव ही नहीं, वो जिला ही नहीं, पूरे राष्ट्र स्तर से उनका राष्ट्र का निर्माण होगा, जैसे आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, जैसे आज हमारे डॉक्टर, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिस धरती से हम लोग जन्मे हुए हैं, डॉक्टर हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर से थैंक यू, धन्यवाद। मैं हरिओम अधिवक्ता सिविल कोर्ट सिवान। कम खाएं लेकिन अपने जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाने पे जरूर ध्यान दें। थोड़ा हल्ला कम कीजिए आप लोग। हेलो ए बाबू, शांति बनाए के सुनो। आप लोग सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आप लोग अभी बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, बताइए कौन है वो? कौन है? अच्छा, वो जिनके हाथ में किताब है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये फोटो किनकी लगी है? भीमराव। ये साधना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, प्रेरणादायी है। और संगठन को जहां हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग भी सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को निरंतर चलाना चाहिए। और बहुत ही अच्छा और नेक कार्यक्रम है। अपना परिचय बता दें। ललतेश्वर कुमार, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्र सृजन अभियान। हेलो, हाँ सर, वही जमाने की निकल गए नी, क्या नाम वहाँ बताई ना, चित्रा मैं खड़ बनी। अच्छा, एक मिनट बता दें।
आज साधना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज शिकायत मत करी। आज साधना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज जो कलम वितरण किया जा रहा है, कॉपी कलम खाने का सामान वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे स्थानीय मुखिया जी और हमारे मुख्य अतिथि में हमारे ललितेश्वर बाबू सर हैं और हमारे लाल बाबू जी हैं, हमारे श्रीकांत सर हैं, हमारे यहाँ पे हरिओम जी हैं और हमारे दिल्ली से चल कर आई हुई हैं सभी लोग का मैं राजेंद्र बाबू की धरती के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूँ। यह कार्य सराहनीय है और युद्ध स्तर से अगर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा में क्रांति आएगी। मैं अभिषेक कुमार प्रसाद गुड्डू जीरा दी जैसन सीमाना सहरिया सुंदर लागे, जैसे सीमाना सहरिया सुंदर लागे, उसे जीरत ही ना करिया सुंदर लागे, सुंदर लगे हो रामा सुंदर लागे, सुंदर लगे हो रामा सुंदर लागे, जैसे जीरत ही ना करिया सुंदर लागे, जैसे जीरत ही ना करिया सुंदर लागे, जैसे सिवाना नगरिया सुंदर लागे, जैसे सिवाना। तो साधना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो ये लोग ये काम जो आप लोग कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जयंती पर, गांव-गांव गरीब बच्चों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, इसके लिए हम बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। अक्षय लाल साह जीरा देवी पंचायत के मुखिया। सबसे पहले तो हमारे बीच जो भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं आप सभी से हम यही कहेंगे, सबसे पहले तो हमारे मंच पे जो भी हमारे गुरुजन हैं आप सभी को सादर प्रणाम, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे लिए अपना समय निकाला उसके लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। और मैं बच्चों के लिए एक मेरा साधना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीबों के हित के लिए काम करता है, जिसमें इसका मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं या जिनके माता पिता बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, पैसे की अभाव हो या जो चीज की अभाव से पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, उनका हेल्थ का ख्याल रखेंगे और उनको जो भी चीज होगा कपड़ा लाता से लेकर पढ़ाई लिखाई का जो भी कलम किताब होगा या फिर उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और हमारे सांसद प्रतिनिधि ये बहुत अच्छा है कि साधना फाउंडेशन जो है बच्चों गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक मदद भी कर रही है, इसके लिए मैं साधना फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों के द्वारा जो है जीरा दे गाँव में दूसरा बार एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूं। जहां भी जरूरत पड़ेगा माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद महोदय बिहार सरकार से हम लोग भी मदद करने के लिए तैयार है। लाल बाबू प्रसाद जीरा दे। देखिए हम तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा संस्था काम कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ के धरती पे हम लोग यहाँ पे बिहार आकर के पहले हमारा जो शुरुआत हुआ है ये दिल्ली से हमने अपने संस्था की शुरुआत की है और अभी भी हमें गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिलता है, अभी भी हम अपने पास से लगा करके और जो भी हेल्प होता है बच्चों को हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चों का है जितना भी हो सके बच्चों को हम पढ़ा लिखा सीखें और जितना भी शिक्षित जो गरीब बच्चे होते हैं
उनके घर में ना खाने का होता है ना कुछ भी, उनको ना वस्त्र पहनने का होता है। तो हम वस्त्र भी ठंडियों के दिन में भी हम जो सर्दी वस्त्र होता है सर्दी का वस्त्र भी वितरण करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे हम सर्दी के मौसम तक यहाँ पे प्रोग्राम नहीं स्टार्ट किए थे, तो हालांकि हम नहीं वितरण कर पाए, लेकिन इस सर्दी में वादा करती हूँ कि इस सर्दी पे जितने भी बच्चे हैं, एक बार आप जो भी अनशिक्षित हैं यहाँ पे, उन बच्चों को मैं शिक्षित करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो मैं गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष पर नियुक्त हूँ, तो वहाँ पे मैं पूरे तरीके से मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पूरे तरीके से अपने जिला अध्यक्ष का कार्य करती हूँ, और जो भी बच्चे हैं उनके खाने पीने के ले करके वस्त्र का सारा जो भी खर्चा होगा सारा हमारा संस्था देगा। और इसका जो संस्थापक है नवरत्न कुमार दुबे जी, वो नवरत्न कुमार दुबे जी का कहना है कि अगर यहाँ के बिहार में अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो अगर यहाँ के जनता से और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे अगर हमें कुछ डोनेशन के तरीके से हमें कुछ हेल्प मिल सके, तो हम इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आप नोएडा से चल के बिहार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे आई है और यहाँ पे कार्यक्रम, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बच्चों को क्या बताएं? देखिए बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे तो उनका भी मेन उद्देश्य तो शिक्षा का उद्देश्य था, जो भी कि वो बच्चों को वो भी बहुत इच्छुक थे, जो बच्चे थे उनको भी बहुत ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट रखते थे, जो कि हालांकि आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो मैं अपना प्रोग्राम आज हम लोगों ने कराया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर हुई है, उनके जन्मभूमि पर हुई है, वहाँ उनके गाँव पर हुआ है। तो हमारे ही नहीं और नवरत्न कुमार दुबे जी के भी कहना है कि बहुत ही कार्य अच्छा है। आप लोगों से यही, यहाँ के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि के जितने भी अधिकारी हैं उनसे हम यही विनती करते हैं कि आप लोग जरूर इस ट्रस्ट में डोनेशन करें कि ताकि जो भी आगे हम प्रोग्राम करें उसमें अच्छा से अच्छा प्रोग्राम कर सकें। मेरा परिचय, मैं प्रॉपर तो बिहार से बिलोंग करती हूँ, हालांकि मैं जॉब करती हूँ साधना फाउंडेशन ट्रेवल ट्रस्ट में, जहाँ के गौतम बुद्ध नगर के मैं जिला अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे मैं नियुक्त हुई हूँ, और एक मुझे सलाहकार भी बोल सकते हैं, हालांकि एक कंपनी के जो साधना फाउंडेशन है सलाहकार। कम खाएं लेकिन अपने जो भी बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको पढ़ाने पे जरूर ध्यान दें। थोड़ा हल्ला कम कीजिए आप लोग। हेलो ए बाबू, शांति बनाए के सुनो, आप लोग सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आप लोग अभी बात कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बताइए कौन है वो, कौन है? अच्छा वो जिनके हाथ में किताब है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये फोटो किनकी लगी है? भीमराव। वरीय अधिवक्ता ओमकार जी, आप लोग संयुक्त रूप से सब लोग आए हैं और माल्यार्पण किया जाए ताकि कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। आ
आज भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन सबके आगुम बा बुलाहट बा, तो हम चाहते नहीं एक बार भीमराव अम्बेडकर के जयकार मना दल बाबू बोला हेलो भीमराव अम्बेडकर बाबू की अम्बेडकर बाबू की आज और ज्यादा विशेष समय बात करेगा समय नहीं कहते जाएगा बस दूसरा जगह बस ठीक है। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।